हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नेम है कनेक्टिव वेब एप्स टू डाटाबेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लैंक फंक्शन यूज टू फेच द रिकॉर्ड रिटर्न बाय द क्यूरी। तो इसका राइट आंसर होगा माई एसक्यूएल फेच रो। ठीक है, आप फिल इन द ब्लैंक्स जब बनाएंगे तो याद रखेंगे फेच से स्टोर फिल इन द ब्लैंक्स जब बनाना होगा तो माई एसक्यूएल फेच रो याद रखेंगे। सेकंड है, द माई एसक्यूएल क्यूरी फंक्शन विल एग्जीक्यूट द क्यूरी विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा कनेक्शन। थर्ड, द ब्लैंक फंक्शन इज टू कनेक्ट टू द डाटाबेस। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, माई एसक्यूएल सेलेक्ट डीबी। फोर, द डीबीएमएस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन, इसका राइट आंसर 1960। फिफ्थ, द ब्लैंक डी बी मिस इम्प्लॉय द पैरेंट चाइल्ड रिलेशन ऑफ द स्टोरिंग डाटा। इसका राइट आंसर आप समझ सकते हैं कि इसका लास्ट होगा हेरारिकल। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द माई एसक्यूएल आई कनेक्ट फंक्शन कनेक्ट द वेब एप्स टू द माई एसक्यूएल सर्वर। इसका राइट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि माई एसक्यूएल कनेक्ट फंक्शन जो है कनेक्ट करता है वेब ऐप टू माई एसक्यूएल सर्वर को। सेकंड है, द माई एसक्यूएल विल सिलेक्ट डीबी फंक्शन सेट द एक्टिव कनेक्शन विद द डाटाबेस। तो माई एसक्यूएल डीबी फंक्शन सेट करता है एक्टिव कनेक्शन को विद डाटाबेस के साथ। तो बिल्कुल सही है, ये कनेक्ट डाटाबेस के साथ कनेक्ट करता है एक्टिव। थर्ड है, माई एसक्यूएल इज अ पॉपुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस ट्रू। फोर्थ, द ऑब्जेक्ट्स टू बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। यस। फिफ्थ, नेटवर्क डी बी मीन्स वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो नेटवर्क डी बी मीन्स जो होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अनिल इज क्रिएटिंग डी बी मीन्स, अनिल एक डी बी मीन्स क्रिएट कर रहा है। दैट विल स्टोर डिटेल्स ऑफ टीचर्स, टीचर्स और क्लासेस के डिटेल्स को स्टोर कर रहा है। दे आर टीचिंग, वे पढ़ा रहा है। सजेस्ट द काइंड्स ऑफ डी बी मेस अनिल यूज। तो अनिल को किस तरह का डी बी मेस यूज करना चाहिए। तो उसे ही शुड यूज आर डी बी मेस, आर लेसन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना चाहिए। सेकंड है, अक्षय वांट टू फेच रिकॉर्ड, मतलब फेच इंसर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम ए टेबल नेम टीचर। इस टेबल नेम से टीचर, एक टेबल बना हुआ जो टीचर के नाम से है, उससे क्या करना चाहता है, फेच करना चाहता है, मतलब इंसर्ट करना चाहता है रिकॉर्ड को। ही वांट्स टू क्रिएट ए क्यूरी, क्रिएट ए क्यूरी क्रिएट करना चाहते हैं और साथ ही साथ उसके बाद एग्जीक्यूट भी करना चाहते हैं। तो किस तरह का सिंटैक्स होगा उसके लिए? तो इसके लिए सिंटैक्स जो होगा डॉलर एसक्यूएल क्यूरी इक्वल टू सेलेक्ट इंटू फ्रॉम डिटेल्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू डॉलर रोल नंबर इन्वर्टेड कॉमा सेमी कोलन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका आंसर कि डॉलर एसक्यूएल है, उसके बाद क्यूरी है, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सेलेक्ट इंटू फ्रॉम डिटेल्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू डॉलर रोल नंबर इन्वर्टेड कॉमा सेमी कोलन। ये सिंटैक्स है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज डाटाबेस, गिव एग्जांपल। डाटाबेस क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं? तो डाटाबेस इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। द डाटा इन अ डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज विच मेक डाटा मैनेजमेंट ईजी। डाटाबेस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो अरेंज एक सिस्टमेटिक तरीके से डाटा को अरेंज करके रखा जाता है जिससे सर्च करना आसानी हो, अपडेट करना आसानी हो, तो इसे कहते हैं डाटाबेस। फॉर एग्जांपल योर नेम एज हाइट वेट इट एक्सेट्रा। व्हाट इज डाटाबेस, डाटाबेस इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। द डाटा इन ए डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज विच मेक्स डाटा मैनेजमेंट ईजी। फॉर एग्जाम्पल योर नेम एज हाइट वेट इटीसी।
डाटाबेस क्या होता है? किसी भी डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से रखने के प्रोसेस को कहा जाता है डाटाबेस। डाटाबेस इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी डाटा को किसी भी समय आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। जैसे आपके कंप्यूटर में अगर आपका ऑनलाइन अगर कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप देखते होंगे कि योर नेम इंटर करते हैं, एज इंटर करते हैं, हाइट, वेट, ये सब इंटर करते हैं, और इनकेस कभी आपको डिलीट करना है तो आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नाम में चेंजिंग करना है तो आसानी से आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये कहलाता है डाटाबेस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नेटवर्क एंड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दे आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क एंड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क DBMS क्या होता है? दिस टाइप ऑफ DBMS सपोर्ट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सेकेंड इस जबकि रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है कि दिस टाइप्स ऑफ DBMS सपोर्ट बोथ वन टू वन एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मतलब इसमें सिर्फ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सपोर्ट करता है जबकि इसमें वन टू वन एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सपोर्ट करता है। इन दिस DBMS डाटा ऑर्गेनाइज इन ग्राफ स्ट्रक्चर, जबकि रिलेशनल DBMS में क्या होता है? ऑर्गेनाइज इन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। दोनों में मेनली ये डिफरेंस है। व्हाट इज SQL नेम एनी टू SQL बेस्ड DBMS सॉफ्टवेयर? ए यूजर में रिक्वेस्ट डाटा, यूजर यूजर क्या है, डाटा को रिक्वेस्ट कर सकता है। दैट इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस यूजिंग वेब ऐप। वेब ऐप के यूज़ करके डाटा बेस में स्टोर किया जाता है डाटा को। टू डिलीवर द रिक्वेस्टेड डाटा, रिक्वेस्टेड डाटा को डिलीवर किया जाता है। द वेब ऐप नीड टू इंटरेक्ट विद द DBMS। जो वेब ऐप होता है वो क्या करता है, DBMS के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होता है वेब ऐप को। ठीक है, जैसे आप अमेज़ॉन लेते हैं तो अमेज़ॉन क्या है, वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है अमेज़ॉन। जब इसमें आप कोई सामान बुक करते हैं तो क्या होता है कि आप डिटेल अपना देते हैं, तो उस डिटेल कहाँ स्टोर होगा, तो DBMS में ही स्टोर होगा। तो क्या होता है कि वेब ऐप क्या होता है, DBMS से इंटरेक्ट करता है, DBMS सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। दिस टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ऐप एंड DBMS इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज नॉन एज। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि SQL कहते हैं। जब वेब ऐप्स और DBMS के बीच में कम्युनिकेशन का दो जरिया बनता है, क्या होता है, दिस टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ऐप एंड DBMS। जब वेब ऐप और DBMS जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जो मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वो कहलाता है SQL कहलाता है। मतलब आप कोई भी वेब एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी, सपोज दैट ऑफलाइन ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या किसी तरह के शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन या किसी तरह का ऑनलाइन डिटेल्स डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्टवेयर DBMS का हेल्प लेता है जहाँ पर आपका डाटा स्टोर होता है, वो कहलाता है SQL। MySQL एंड ओरेकल क्या आर द नेम ऑफ SQL बेस्ड DBMS सॉफ्टवेयर है? आप दो नेम दे सकते हैं, MySQL एंड ओरेकल जो है SQL बेस्ड DBMS सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MySQLi कनेक्ट एंड MySQLi सेलेक्ट DB फंक्शन? MySQL कनेक्ट द मेथड एंड इट्स पैरामीटर आर यूज टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद द डाटाबेस। ये क्या करता है, डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के कनेक्शन करता है, जबकि MySQL DB क्या है, MySQLi सेलेक्ट DB मेथड इज यूज टू कनेक्ट टू द डाटाबेस। ये डाटाबेस से कनेक्ट करता है। दिस मेथड टेक टू पैरामीटर्स, कनेक्शन नेम एंड डाटाबेस नेम। यहाँ पर आप डाट नेम कर लेंगे यहाँ पर। ये दोनों में मेनली डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द मेन स्टेप्स इन कनेक्टिंग द वेब ऐप। वेब ऐप में कनेक्टिंग करने में मेन स्टेप क्या क्या है वो लिखना है आपको। टू डाटा बेस, टू ऑप्टेन रिजल्ट फ्रॉम टेबल, टेबल से और रिजल्ट ऑप्टेन करके डाटा बेस को वेब ऐप से में कनेक्टिंग करने का मेन स्टेप लिखना है। तो स्टेप यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप है। सबसे पहले आपको क्रिएटिंग ए कनेक्शन विद द MySQL सर्वर, यहाँ पर आपका सिंटैक्स दिया हुआ है, आप ये सिंटैक्स लिख लेंगे भी। सेकंड में क्रिएटिंग ए कनेक्शन विद द डाटाबेस, उसका सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ है। फिर थर्ड क्रिएटिंग एन SQL क्वेरी टू फेच डाटा फ्रॉम अ टेबल, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर यहाँ सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ है एग्जीक्यूट द क्यूरी, और फोर्थ में इसका सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ है, जो आपको जैम SQL से जब कनेक्ट करेंगे PHP को तब वहाँ पर इस तरह से आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फिफ्थ है डिस्प्ले द क्यूरी रिजल्ट, और इसका सिंटैक्स यह है।
ये स्टेप है जो डाटा टेबल से रिजल्ट को ऑप्टेन करके डाटाबेस को वेब में कनेक्ट करने का मेन स्टेप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।